तो कितनी बढ़िया हमारी ये सोयाबीन कीमा की रेसिपी बनके तैयार है, बिल्कुल चटकदार। सोयाबीन कीमा की रेसिपी के लिए हमने एक कटोरी के आसपास पानी डाला है इसमें, और एक कटोरी हमने सोयाबीन लिया है। तो सोयाबीन ये हमारा लगभग वेट में 50 ग्राम से थोड़ा सा कम है, तो इसे हम बॉईल करके अच्छे से इसे पका लेंगे। हम ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा इसमें बॉईल आ चुका है, तो अब हम इसे बंद कर देंगे और इसे छान के निकाल लेंगे किसी भी बर्तन में। तो ये देखिए, और इसी प्रकार से हमने आप हाथों के सहारे इसे प्रेस करके बिल्कुल इसका पानी सारा निचोड़ कर निकाल सकते हैं इसे इस प्रकार से। तो ये देखिए इसी प्रकार से हमने सारे सोयाबीन को हमने निकाल लिया है हाथों से प्रेस करके। तो अब हम एक मिक्सी जार में इसे दरदरा पीस लेंगे। तो दरदरा हम कुछ इस प्रकार से हमने इसे पीसा है, ये देखिए। तो हमारा फाइनली ये पीस चुका है। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और 1 आधी चम्मच, 1 छोटी आधी चम्मच जीरा, और उसके बाद हरी मिर्च। तो इन सबको हम हल्का सा रोस्ट करके उसके बाद हमने प्याज डाला है यहाँ पे। प्याज हमने 2 बड़े साइज का लिया था, काटने के बाद ये लगभग 1 कटोरी हो गया। तो इस प्रकार के शेप में हम प्याज को काटेंगे। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है सोया कीमा की। तो इस प्रकार से हम कवर करके इसे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तो ये देखिए हमारा प्याज भी लगभग सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें अदरक और लहसुन को जो हमने कूट के रखा था, अदरक हमने 1 इंच के आसपास टुकड़ा लिया था और लहसुन का जो 8 से 10 कलियां हमने इसे कूट के इसमें डाला है। तो इसी प्रकार से आप चलाते रहें इसे ताकि ये हमारा अदरक इसमें सटने ना पाए। तो अब हम यहाँ पे टमाटर डालेंगे। टमाटर हमने 2 से 3 मीडियम साइज का लिया था, मीडियम से थोड़ा सा छोटा साइज। तो हम टमाटर को हमने लंबे शेपों में काटा है ताकि अच्छे से इसमें पक जाए। तो टमाटर को भी हम कवर करके इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए हमारा टमाटर हल्का हल्का रोस्ट हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। तो इसे स्पैचुला की मदद से इसे हल्का सा क्रश कर लेंगे आप ताकि ये अच्छे से मिल जाए। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसे मैश कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डालेंगे। उसके बाद हम मसाले डालेंगे। मसाले में हमने हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया 1/2 चम्मच, और ये थोड़ी सी गरम मसाला, और यहाँ पे मीट मसाला। तो आप इन सारे मसालों को डाल के इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो मीट मसाले में बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये नॉनवेज मसाला है, तो ऐसा नहीं है। मीट मसाला एक मसालों का कॉम्बिनेशन है, कम ज़्यादा मसाले को करके बनाया जाता है। ये प्योर भेज होता है मसाला जो जनरली होता है। तो मसाला भुनने के बाद हम यहाँ पे पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इससे बॉयल आने तक थोड़ा सा पकाएंगे। तो ये देखिए इसमें बॉयल भी आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे पिसा हुआ जो हमने सोयाबीन को रखा था उसे यहाँ पे डाल के इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो ये देखिए हमारा जो ये रेसिपी है कितना बढ़िया ये लगभग बनने को तैयार है। तो ये देखिए कितना बढ़िया से मिल गया है। तो ये फाइनली हमारा बनके तैयार हो गया है सोयाबीन कीमा की रेसिपी। तो हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया इसका ये टेक्सचर है। आप इसमें दही भी डाल सकते हैं दही पसंद हो तो, या फिर आप इसे इसमें तड़का भी लगा सकते हैं घी का, घी कश्मीरी लाल मिर्च और लहसुन का तड़का भी लगा सकते हैं इस रेसिपी में। हमने नहीं लगाया है,
आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं इसमें तड़के लगा। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।